दोस्तों, इग्नू के पाठ्यक्रम CLTA यानी सर्टिफिकेट इन लाइफ एंड थॉट ऑफ अंबेडकर के तहत हम लेके आए हैं खंड दो यानी ब्लॉक दो। इंग्लिश में ब्लॉक दो, जो इंग्लिश वाले हैं CBSE वाले हैं उनके लिए ब्लॉक दो, हिंदी के लिए खंड दो। कोर्स कोड है आपका BAB 102 और इसका ब्लॉक वन हमने कवर कर लिया है, आप इग्नू के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका जो शीर्षक है सामाजिक हाशिए के वर्ग संबंधी विचार, इसके तहत 4 इकाई है 5, 6, 7, 8। 5 में शूद्र कौन थे, 6 अस्पृश्य कौन थे, 7 महिलाओं की परिस्थिति, 8 आदिवासी और मूल निवासी भारतीय। हम सबका सारांश देखेंगे क्योंकि कम समय में हम आपको चैप्टर का सारांश ही बता रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा अंत के दिनों में, 10 दिनों 20 दिनों में, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उतने दिन के लिए या सर्टिफिकेट प्रोग्राम CLTA के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं शूद्रों पर अपने विचारों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है। पहला, शूद्र सूर्यवंश के आर्य समुदायों में से एक थे। दूसरा, एक समय था जब आर्य समाज में केवल 3 वर्णों को ही मान्यता प्राप्त थी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र एक अलग वर्ण में नहीं बने थे, वे इंडो आर्यन समाज में क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आते थे। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच निरंतर शत्रुता थी जिसमें ब्राह्मणों को कई यातनाओं और अपमानों का सामना करना पड़ता था। शूद्रों द्वारा दी गई क्रूर यातनाओं और उत्पीड़नों से उनके प्रति उत्पन्न घृणा के फलस्वरूप ब्राह्मणों ने शूद्रों को उपनयन करने से मना कर दिया। छठवां जो है, शूद्र कौन थे, उपनयन से वंचित हो जाने पर शूद्र जो पहले क्षत्रिय रहा करते थे सामाजिक रूप से पदच्युत होकर वैश्य के पद से भी नीचे गिर गए। इस प्रकार चौथे वर्ण की स्थापना हुई। इसको फिर से देखिए, उपनयन से वंचित हो जाने पर शूद्र जो पहले क्षत्रिय रहा करते थे सामाजिक रूप से पदच्युत होकर वैश्य के पद से भी नीचे गिर गए, इस प्रकार चौथे वर्ण की स्थापना हुई। शूद्र यानी सेवक, क्षत्रिय आपका रक्षा करेगा, वैश्य व्यापारी, ब्राह्मण ज्ञान देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, रक्षा यानी जो कि जो आर्मी है आज की, क्षत्रिय थी उस समय की बलशाली, इसको सब कुछ धनुर्धर होगा और गदा उदा फेरेगा, ये सब वैश्य व्यापार करेगा। उसके बाद जो छत्री नीचे गिर गए अपने पद से, वैश्य से भी नीचे चले गए, शूद्र यानी सेवक बन गए। आगे देखते हैं इकाई दो में क्या है भाइयों। इकाई दो के तहत हमने भारत ही नहीं दुनिया भर के अस्पृश्यों की पहचान के बारे में पढ़ा। भारत में मुख्य रूप से अस्पृश्यों की 5 प्रमुख श्रेणियां ऐतिहासिक रूप से मिलती हैं। दोस्तों हमने पढ़ा, मतलब कि हम सारांश पढ़ रहे हैं, आप पूरा बुक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे विस्तृत, लेकिन जिसके पास कम समय है, नहीं देखे हैं CLTA सर्टिफिकेट इन लाइफ एंड थॉट ऑफ अंबेडकर जो भी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जैसे कि जाटव, चमार, मल, मडिगा, मांग और महार, ये सब जातियाँ हैं जो उनसे मिलती जुलती हैं, जो कौन है, सेवक हैं, अस्पृश्य हैं, जिनको छुआछूत समाज के लोग मानते हैं। इसके बाद ब्राह्मणवादी शास्त्रों में उनके अनेक नाम मिलते हैं, जैसे कि अछूत, अस्पृश्य, अंत यज्ञ, चंडाल, असुर, दास अथवा दास्य और राक्षस। इन धार्मिक ग्रंथों के अलावा उनके लिए परिहा, हरिजन और पंचम जैसे नवनिर्मित प्रयोग मिलते हैं जो औपनिवेशिक अवधि के दौरान सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से उभरकर सामने आए। अंबेडकर ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति के मौजूदा जाति और व्यावसायिक सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वर्णन किया कि प्रारंभिक अस्पृश्य अलग जातियां नहीं थी, हिंदुओं और अस्पृश्यों में कोई जाति अंतर नहीं था और न ही अस्पृश्यों हेतु कोई व्यावसायिक आधार था। हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच मामूली अंतर यह था कि कालांतर में वे जनजाति लोग खंडित व्यक्ति कहे जाते थे और जिन्हें बाद में अस्पृश्य के रूप में व्यवहारित किया गया। अंबेडकर का यह विश्वास है कि अस्पृश्यता का प्रचार प्रसार ब्राह्मणों द्वारा खंडित लोगों के प्रति घृणा के कारण हुआ, क्योंकि वह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तथा अस्पृश्य लोगों ने बीफ खाना बंद नहीं किया था जबकि ब्राह्मण ऐसा कर चुके थे, इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाए।
चलिए देखते हैं। अगली इकाई। लेकिन आज के ब्राह्मण तो दबा के खाते हैं सब कुछ, मीट मांस। गांव की परिस्थिति की बात करें तो इसमें अंबेडकर मनुस्मृति में हिंदू महिलाओं की दयनीय स्थिति से परिचित थे। उन्होंने पाया कि बौद्ध महिलाओं की मुक्ति को समानता, आत्मसम्मान और शिक्षा के आधार पर बढ़ावा देता है। उनका मानना था कि बुद्ध ने महिलाओं के सम्मान और प्यार के साथ व्यवहार किया और कभी भी मनु जैसा उन्हें नीचा करने की कोशिश नहीं की है। अंबेडकर बुद्ध द्वारा महिलाओं के साथ ही सही व्यवहार के सबूत के रूप में विशाखा वैशाली की आम्रपाली गौतमी की तरह महिलाओं के उदाहरण देते हैं। हिंदू संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज अधिकांश रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते में आता है। वह बौद्ध धर्म नहीं बल्कि मनु थे जिसने महिलाओं को अशक्त बनाया और उन्हें अस्थायी रूप से अपंग बना दिया, तथा मनु ही हिंदू महिलाओं के पतन के लिए जिम्मेदार थे। अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों से आग्रह किया कि हिंदू कानून बदलना होगा और उसके स्थान पर एक नए सामान्य कोड लागू करना होगा। अंबेडकर ने महिलाओं की वकालत की और हिंदुओं को आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने समाज को बदलने के लिए आह्वान किया। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट इकाई, ठीक है? आपकी अगली इकाई यानी कि 8वीं इकाई है और यह आखिरी इकाई है। इस BAB 102 जो कोर्स कोड CLTA का है, ब्लॉक 2 खंड 2। खंड 2, प्रत्येक खंड में चार चार इकाई है तो यह खंड दूसरा है कोर्स कोड BAB 102 का। चलिए, भारतीय आदिवासी आबादी के हिसाब से अफ्रीका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में जनजातियों की कई विशेषताएं हैं। भारत में जनजातियों के विभिन्न उप जनजातियों में विभाजित किया गया है। और आपको यह भी विदित होना चाहिए कि अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं और एशिया को मानव संस्कृति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका में सबसे पहले मानव आए थे और वह आदिवासी वहाँ पे इसीलिए अधिक है। वहाँ पे सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संस्कृति, रहने खाने पीने का ढंग सुव्यवस्थित ढंग से एशिया में शुरू हुआ, ठीक है? भारत में जनजातियों को विभिन्न उप जनजातियों में विभाजित किया गया। वे अपने आप में अपने नाम और संस्कृति, रीति रिवाज, स्थानीय प्रथाओं और जीवन शैली के साथ एक अंतर जात और कबीले के लिहाज से परस्पर अनन्य हैं। उनके विशिष्ट विशेषताओं में से एक यह है कि वे देश के दूरस्थ और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की बस्तियों में और वन क्षेत्रों में छोटे बिखरे हुए बस्तियों में रहते हैं। खास तौर से अंबेडकर और कई लोगों द्वारा सामाजिक न्याय की खोज के बावजूद तथा संवैधानिक सुरक्षा के धीरे धीरे प्रभाव होने के बावजूद अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों का विशाल वर्ग अभी भी सामाजिक न्याय के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो न केवल शेयर कीजिए बल्कि लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।